नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कुक नीरज, जो कि ये खबर सामने आई थी कि कुक नीरज जो है वो फरार हो गया है। कुक नीरज जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है, कुक नीरज जो है वो सीबीआई के हाथ नहीं लगा है। फाइनली कुक नीरज ने बड़ी बातों का खुलासा कर दिया है। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात। यहां पर मुझे सबसे पहले तो इस बात को बताने से पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, यानी कि हमारे सुशांत दादा के ऊपर, ये लोग जो है इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये नशा करता था, ये गांजा लेता था। अब यहां पर कुक नीरज कहता है, आपको बता दो दोस्तों, तो सेम बात रिया चक्रवर्ती ने बोली कि मैं लेती थी, मतलब अपने इंटरव्यू में, तक को दिए गए इंटरव्यू में बोला था कि मैं लेती थी और उसके लिए लेती थी, मतलब मैं बेसिकली पास करती थी। सारा अली खान यही कहती है अपने इंटरव्यू में, राइट दोस्तों? तो यहां पर ये बात समझ में नहीं आती कि ये उस व्यक्ति के ऊपर क्यों डाल रहे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी हमारे बीच में नहीं, अब वो तो नहीं आएगा ना सफाई देने के लिए अपनी, राइट? यहां पर आपको बता दो दोस्तों, तो नीरज, कुक नीरज कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत, बाकी का अदर का मुझे पता नहीं कि वो कौन सी ड्रग लेते थे या नहीं लेते थे, लेकिन वो गांजा लेते थे, और उनको गांजा पता है कौन प्रोवाइड करता था? शौविक, सैमुअल मिरांडा और ये दीपेश सावंत, जो रिया चक्रवर्ती के, मैंने नाम रखा था रिया चक्रवर्ती के चंगू मंगू, क्योंकि क्योंकि उनकी वजह से जो है ये चीजें सामने आई दोस्तों, राइट? आपको बता दूं तो यहां पर कुक नीरज ये भी कहते हैं कि सुबह, मतलब कि 14 तारीख की सुबह, पहले तो वो बोलता है कि मैं कोई फरार नहीं हुआ। आपको बता दूं टाइम्स नाउ की बातचीत के दौरान ये सारी बातें सामने आई हैं, जहां पर वो कहता है ये बात कि मैंने कोई भी जो है, मैं कोई फरार नहीं हुआ हूं, मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूं, मैं बस अपने होम टाउन दिल्ली आ गया हूं जहां पर मैं रह रहा हूं, बट मैं वापस जरूर आऊंगा, और मैंने कोई खून नहीं किया है, कोई कत्ल नहीं किया है। यहां पर वो ये भी कहता है दोस्तों कि उस दिन 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह उनसे पानी मांगा था, तो वो पानी देने गए थे नीरज, और यस, फिर उसके बाद उन्होंने जूस भी मांगा था। सो दोस्तों, इस तरीके से ये सारे सर्कमस्टेंसेस में चीजें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे करके चीजें रिवील हो रही है। बट एक बात समझ में नहीं आ रही, पूछिए क्या ये बात कि आखिरकार कुक नीरज, अगर वो बेगुनाह है या बेगुनाह था या व्हाटएवर इट इज, तो वो दिल्ली क्यों गया है? दिल्ली क्यों गया है? किससे परमिशन लेकर गया? क्या वो पुलिस की परमिशन से लेकर गया, मुंबई पुलिस की, या फिर क्या वो जो है किसी और की परमिशन से लेकर गया? हमें नहीं पता, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जस्टिस फॉर SSR। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। मेरी एक नई जर्नी शुरू हो रही है इस चैनल में, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।